को बहुत प्यार हमने किया, बाबा मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर कहां है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जान, कोई नहीं जानता जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई एक ही बात रोज एक ही बात। भगवान पहली लहर आई मैं बच गया, दूसरी लहर आई फिर बच गया, क्यों बच गया? अब जिस लिए बचाए हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा करो। एक प्यार का नगमा है, क्या लोग आए। कभी इस भ्रम में मत रहना भैया कि बड़े बड़े कलाकारों को आप सुने हैं ना, हमने बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों की निचाइयों को देखा है। बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़ा बनकर बड़ा रहना। चांद चकोर बात ये नहीं है कि आप कहां बैठे हैं, आपका ओहदा क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सोच कहां है। नदी के किनारे पड़ा रहता है चकोर, चांद को निरंतर देखता रहता है। एक दिन आसमान में पंख फैलाए गिद्ध की नजर पड़ी चकोर पे। क्या क्या तू नदी के किनारे पड़ा पड़ा चांद को देखता रहता है, मुझे देख। खुले आसमान में पंखों को खोले उड़ रहा हूं। चकोर ने जवाब दिया कि मैं नदी के किनारे रहकर भी अपनी सोच में चांद रखता हूं, और तू आसमान में उड़ता है लेकिन तेरी निगाह जमीन पे पड़े मुर्दों को ढूंढती रहती है। ये सोच का अंतर है, डिफरेंट। इसीलिए ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिजा खा गई। हर परेशान नजर थक गए चारागर, सब थक गए हैं चलते चलते, कोई पहुंच ही नहीं रहा है मंजिल पे। कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। अपने आप को समझो बाबा होने से पहले, वही विद्यमान है महाराज। किसी दूसरी की वाणी किसी दूसरे के शब्दों में ढूंढने का प्रयास मत करो। रात को सोते समय एक उपाय करना शुरू करो, अनुभव नहीं होने लगेगा तो बताइएगा। रोज एक घंटा जरा बातचीत तो कर लो। क्यों छोड़ दिए हैं आप मुझे, अभी तक जो गलतियां हो गई पश्चाताप कर लो यार दिल से। अगर ये ऐसा करने में आंख भर जाए अकेले में तब समझना सार्थक। तब नमो छिपा के यहां रात में स्टेटस लगा के सोएंगे, सवेरे आंख खुलते ही पहले पहला काम यही है। पहले भाई साहब मुक्त होने के लिए चार चीज काम क्रोध लोभ मोह छोड़ना पड़ता था। अब व्हाट्सएप ट्विटर अकाउंट ये सब पे अपना वो पहले लॉग आउट करो। अनेकों प्रकार के भाव, बड़ा मुश्किल है। बच्चे मंदिर में, श्याम बाबा के मंदिर में अभी कोई अश्लील गाना बजा दे आप लोग बर्दाश्त करेंगे? कीर्तन बंद होगा और कलाकार लात मुंह का जूता ना सही कुछ ना कुछ तो खाएगा ही, है ना। बाबा को भोग क्या लगाते हैं, अच्छा अच्छा देसी घी से बना महाराज खरीद के लाते। भाव देखिए, कभी आपने सोचा कि बाबा मंदिर में भगवान स्वरूप बैठे हैं, उनको तो आप बहुत अच्छा अच्छा, आपके घर में जो भगवान घूम रहे खेल रहे हैं चाउमीन बर्गर और फलाना ढमकाना खा रहे हैं,
थोड़ा इनको भी ध्यान दो। आपके घर के टीवी में वो क्या सीख रहे हैं थोड़ा सा देखिए। भगवान को मंदिर में आप भजन सुनाते हैं और जिनको भगवान ने आपके लिए बना के भेजा है छोटे छोटे फूल, उनको भी थोड़ा घर में सिखाइए, ध्यान दीजिए। क्योंकि ये राहें हमें खूबसूरत तो नजर आ रही हैं, मगर ये हमें तबाही की तरफ ले जा रही है। सावधान, तभी आनंद तभी आएगा आपको जब आप खुद के साथ रहना सीख जाएंगे। आदमी खुद के साथ रहने का आदि नहीं है, बस इसीलिए वो दुखी है। बस एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। ओ, बोल दो। लोगों को बड़ा अहंकार है कि हमने इनको सुना उनको सुना, अपने आप को सुनो। क्योंकि हर कोई एक किसी पिक्चर का गीत है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर गाने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं। अभी बस फोन आ गया है, तुमसे जुदा हो जाऊंगा, बस 3 मिनट का हिस्सा हूं। इसीलिए मुस्कुराओ, यही जिंदगी है अंकुर जी। जब भी वो पिताजी की फोटो आप डालते हैं, पिताजी आप देखते, अरे ये है, नहीं तो कोई कोई सोचता है क्या करें। बोलो बोलो प्रेमियों, एक ही बात बाबा, मैं हूं तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूं। मैं हूं तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूं। मिलती जो तनख्वाह है तुझसे मैं परिवार चलाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। दर दर मेरा सर ये झुके ना, यही सोच के दर तेरे आता हूँ बाबा। सोच के दर तेरे आता हूँ बाबा। तेरे जैसा मालिक पाकर बाबा मैं इतराता हूँ। बाबा मैं इतराता हूँ। बाबा मैं इतराता हूँ। स्वाभिमान से जीने वालों को तेरी राह दिखाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। तुम हो मेरे पार्टनर बाबा, तुझसे तेरा हिस्सा रोज लगाता हूँ। एक कदम आगे, हमेशा भिखारी मत बनो, पार्टनर बनाओ। मैं हूं तेरा पार्टनर तेरा हिस्सा रोज लगाता हूं। बचता जो कुछ उससे बाबा मैं परिवार चलाता। बचता जो कुछ उसी से बाबा मैं परिवार चलाता हूं। अगर हिस्सा नहीं लगाए तब बाईपास सर्जरी। हाँ ऐसे थोड़ी है, हिस्सा वो अपना हिस्सा लेना जानता है। एक वो रोमी जी का माइनर करिए जरा, जी माइनर। रोमी जी का एक भजन था कि गर दिल खोला होता उस दिलदार से तो खुलवाना ना पड़ता दिल औजार से।
अब कोई होती तुमको कभी बीमारी ना, गर दिल की बातें कर लेता दिलदार से। और बीमारी होने के बाद भी अगर आप मगन हैं, अभी भी समय है, पार्टनर बना लो मेरी तरह, एक गुल्लक रख लो घर में, ये है इतना पेमेंट मिली तो उसमें से इतना आपका, और वो जो आप वाला है उसको बिना भगवान बने उससे बताओ, बाबा तुम बताओ कहां दिया जाए, किसको दिया जाए, वो अपने लोगों को भेज देगा आपके पास लेने, चाहे जिस रूप में। बस भगवान बनने की कोशिश नहीं कि गर दिल खोला होता उस दिलदार से, गर दिल खोला होता उस दिलदार से, खुलवाना ना पड़ता दिल औजार से, गर दिल खोला दरार से, खुलवाना ना पड़ता दिल औजार से। कोई होती हमको कभी बीमारी ना हो, कोई होती हमको कभी बीमारी ना, गर बाट के खा लेते अपने यार से, गर दिल खोला होता उस दिलदार से, तो खुलवाना ना पड़ता दिल औजार से। एक बार बोलिए, काली कमली वाला मेरा यार है, वो काली कमली वाला कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है तू ही दिलदार है, तू मेरा यार है तू ही दिलदार है, ओए 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 ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। एक बार बोलिए, मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले ही कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, कम पहले ही कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। ये मेरा बाबा का उधार था, आज मैंने पूरा कर दिया। अब हमारे सर हैं, इससे पहले कि कल ये हमको टांग दें, इनको भी सुन लिया जाए। हाँ आइए मारे जी, गा दीजिए वैसे।